ज्यादती की ना 4 महीने पहले जी कुटी गया ने बैठक 70 बैठक कटवाइया कुटी गया ने जो खून नहीं खलो रहा है दवाई एक कारी लिया गया उतो कसूर दवाई लिया के लिया साडा जो नंबर इनके को है ने इतना ज्यादा तशद्दुद किया जो पानी वाला गंदे पानी वाला छपड़े ना जान बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाई है तो उन्हें क्या बच्चा ड्रामे करता पे बुद्ध वाले दिन तो मार ही डाला है ना बड़ी वड्डी तकलीफ है ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਸਿਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਐਨਪੀਜੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਤੋ ਉਸੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ नाज़रीन आज मैं फिर कसूर में मौजूद हूँ और कसूर में 13 साल शर्जील को ज्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी उन्होंने किया जिनसे वो तालीम हासिल किया करता था कुरान पाक की हिफ्स कर रहा था मदरसे में जाकर और उन कारियों ने जुल्म करके तशद्दुद करके सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि तुमने घर जाकर नहीं बताना कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है हमारे बच्चे जब तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ दरिंदगी कर दी जाती है उनको कत्ल कर दिया जाता है और जब हमारी जुबानों से अल्फाज निकलते हैं अदारों के खिलाफ तो हमें गोलियां मार दी जाती हैं ऐसा जुल्म कब तक होगा कब तक हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखते रहेंगे और कहा जाएगा कि आपने खामोश रहना है हमारा कानून कुछ भी करे आपने बोलना नहीं है मेरे साथ शर्जील की फैमिली मौजूद है उनसे जानता हूं कि मुकम्मल वाकया क्या पेश आया था सर तुसी शर्जील दे की लगदे हो मैं नाना जी हां नमस्ते मेरा अच्छा नाना जी मेनू ए दसो शर्जील दी उम्र की सी 13 साल 13.5 साल है ओ कथे पढ़न नहीं जांदा सी रोडे अच्छा मदरसे च पढ़दा सी हां जी कुरान हिफ्ज कर रिया सी हां जी ते तशद्दुद क्यों कीता कारियां ने उंदे नाल ज्यादती कीती है ना 4 महीने पहले जी असि उठा लिया ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਸੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਕਸੂਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਈਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ बच्चे ने अपनी तकलीफ के बारे में आपको खुद बताया था। खुद मैं उन्हें पूछा जो लैटरिन वाशरूम तो निकला तो बच्चे ने तकलीफ सी मैं अपनी चोली से बिठा के उन्हें पूछा है वो संगते ने मैंने कहा भी मैंने आ तकलीफ है मैं अगली गल आप समझ गया तो फिर मैं उनके बाद दूसरे दिन दसा आपने कारी साहब से नहीं पूछा कि ये क्या हुआ था मामला क्यों किया आपने मैं नहीं पूछा सर आप शर्जील के वालिद साहब हैं जी जी शर्जील पे तशद्दुद हुआ उसके साथ ज्यादती हुई आपको क्यों नहीं मालूम हुआ मुझे जब 4 माह पहले पता चला था मेरे ससुर ने बताया था भी शर्जील के साथ ऐसी ज्यादती होगी हमने उधर मदरसे में नहीं भेजना अच्छा। मैंने बच्चे को मदरसे से घर लेकर आ गया था उसके बाद ये हुआ 6-7 दिन के बाद ना कारी इरफान ते और उनकी अम्मी ने बार बार गालां करते रहने अच्छा। भी बच्चे नू भेजो उन तो बाद मेरे अबू ते अम्मी ने कहा भी असी लै के जाने हैं तो जेडे मामलात ने ना असी उत्थे बैठ के हल करने हैं जो उत्थे अम्मी ते अबू गए ने ते इन्ना मिंतन तरले कीते ने भी आज तो बाद ते पहला नंबर ते कारी विकास नू असी इत्थों छुट्टी करावांगे उन्दे तो बाद दूसरी जी यही असी कहा बच्चा सुबह जाएगा तो शाम घर वापस आएगा तो तीसरा ये ही भी साडे बच्चे नू मारे मारना नहीं दा ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਹਰੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 1-2 ਮਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ
वह कारी ने आपके दिल अक्कर रखी भी मेरी बदनामी इन्हें की है, उन्हें इस वजह तो बच्चे तशद्दुद किया। हाँ जी, तशद्दुद किस तरह का किया? जड़ा ना इनू सोमवार को बहुत ज़्यादा इनू बच्चे मारिया है, मेरे तक कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची। मैं बावलपुर चीज़ के साथ मारा जो होते हैं पाइप राड के साथ मारा है, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं जो तशद्दुद उसने किया है। और दूसरा मंगल को मैंने बच्चे को बोला भी आप मदरसे नहीं जाओ, भी किसी से मैंने पैसे लेने थे, मैंने उसको उधर भेजा था। जब बुध वाले दिन सुबह 8 बजे मैंने कॉल भी की थी भी जो ना भी जल्दी मदरसे चले जाओ, मुझे नहीं पता थे उसके नाने ने मना किया या जो भी है, मेरे जेहन में ये था मेरी वजह से छुट्टी एक की। सुबह 8:30 मदरसे पहुंचा, 9 बजे काला जो करी इरफान मेरी वाइफ को कॉल ही कर रहा था भी जल्दी आ जाओ, आपने बच्चे को कुछ पहनाया नहीं है, ऐसे भी 100 बहाने बना रहा था, आपके बच्चे को अटैक हो गया। हाँ, मैंने रात को भी थोड़ी इंक्वायरी की है, मुझे ये पता चला मेरे बच्चे को जब इतना ज़्यादा तशद्दुद किया बाहर इन लोगों के मदरसे के बाहर, एक जो पानी वाला गंदे पानी वाला छप्पड़ है ना जान बचाने के लिए, उस पानी में छलांग लगाई है बच्चे ने उधर से वापस आके टूटियों पे जब पाँव धो रहा था ना, उस वक्त कारी ने जो ना इसके पेट में लत मारी है ना, उसकी वजह से इसकी जो पसली डैमेज होकर दिल के अंदर जा पहुंची। इन्ना को ज़्यादा इन्हें परेशान करता भी जड़ा मैनू कॉल गई है जो ये मंडी ले आए ने भी ये मेरी बीवी तो मेरा भतीजा उत्थे गए ने, तो इन्होंने और कारी इरफान नू कहा भी बिठा दो, तो उन्हें कहा बच्चा ड्रामे करता पे। अच्छा, हाँ जी, किन्ने कारी उत्थे बैठे हुए सी? जिन्हें लत मारी ही वह नस गया ही। अच्छा, दूसरा कारी जो मदरसे का मालिक है वह कह रहा है उन्हें 4 कॉल 5-10 मिनट में 4 कॉल कीतिया ने भी तुहाडा बच्चा बहुत सीरीयस हालत से छेती आ जाओ। जो ये गए ने उस बाद उन्हें यह मुनासिब नहीं समझा भी बच्चे इनू मोटरसाइकिल उत्ते बिठा दो, उस बाद जो मंडी लै आए ने उनका साला है डॉक्टर महमूद, उन्हें कॉल की उन्होंने ओपन वाज भी बच्चे की हालत बड़ी सीरीयस है तो इतने आ, तो उन्हें आमना मुनासिब नहीं समझा, उतों दोनों फरार हो गया। हाँ जी, तो मेरे एक ही है जो बच्चे के साथ ज्यादती कितनी बार हुई? 4 माह पहले जो ज्यादती की थी ना उसका जो मेरे ससुर ने मुझे बताया था, उसके बाद अब वो अक्कर दिल में रख के ना तशद्दुद बहुत ज़्यादा, सोमवार को भी बहुत ज़्यादा किया है और बुध वाले दिन भी बहुत ज़्यादा किया है, बुध वाले दिन तो मार ही डाला है ना। ये नाना बताएंगे कि तशद्दुद किस तरह का था बच्चे पे? वो इवें आ कि घर में बच्चे ने तकलीफ हुई ना, जैसे वो ही नहीं मेरी अम्मा करके उठा। अच्छा। मैं बेटे आप तेन क्या तू स्कूल नहीं जाना, मैं फिर उन्होंने तफसील नाल पूछा बेटा की होने है इन्हें कारिया ने मैनू मारिया, 2 दिन हो गए मार देने पे। अच्छा। तो मैं बेटा तू नहीं जाना, मैं लाहौर चलिया, मैं आवा तेरे नाल करांगा गल। अच्छा। वो गल जी भुलेखे च रह गई, अगो मेरे बेटे ने रोकता भी तू फलाना काम जाना है। अच्छा। बच्चा नहीं उस दिन गया जिस दिन मैं लाहौर में था, अगो सुबह उनकी दादी नू पता नहीं, दादी ने आख्या तो दादी के सामने बच्चा चुक गया, बच्चा बहुत लैग था। अच्छा, ज़हीन था बच्चा, ज़हीन था, लेकिन उन्हें आया मेरी दादी नाराज ना हो जाए, बच्चा चला गया। उन्हें शाम तो होनी इन्हें जाना जी उन्होंने टंग दिता है, कुटी गए ने बैठक 70 बैठक कढ़वाई कुटी गए ने, दोवें जने कुटी गए। अच्छा। हाँ, दोनों जी इको सजा के हकदार ने, सजाए मौत के हकदार ने, वो इतने में जिम्मे बैठे ने जिम्मे सहुरे घर बैठे ने, कदे कोई मुलाकात कर रहा कदे कोई मुलाकात कर रहा है, तो उन्होंने हाले जुर्म कबूल नहीं उन्हें किया ना करवाया गया। अच्छा, पुलिस की तरफों नहीं करवाया गया? नहीं करवाया गया, पुलिस की सानू और काम बड़े ने। गाड़ी मानते क्यों नहीं पे हूँ? मर्जी वाले ने जी उन्होंने को मनावे। बच्चे ने आप अपनी जुबान किया सी कि मेरे ते तशद्दुद है? हाँ जी हाँ जी। जब उन्होंने हस्पताल लेके गए सी किस हालत से सी? वो जी एवें ना बस वाह इं गल बच्चा करता सी, उस भी सी आ जाता सी कदे, तो कदे उस फेल हो जाता सी, तो उस सी बच्चा देखले मैं बोलिया आन के इतने मंडी समान वाला में डॉक्टर बीब को, उस वे मेरे बेटे ने मरा बताया मुझे कि मैंने कारिया ने मारिया तो बहुत ज़्यादा मारिया, मार तनवीर को, चिश्ती साहब को, उनकी दादी को, मैर शौकत मैं कोल हाँ, उनकी नानी जान को, उनके 2 चाचा कोल ने, ये बच्चा भी कोल है। अच्छा, तो मेरा एक बेटा हाफिज कुरान का वो कोल सी, मेरा एक भांजा है वह कोल सी, और भी सानू याद नहीं किन्ने लोग है, डॉक्टर हबीब कोल सी,
ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮਦਰਸਾ ਅਭੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪੈ ਸਕਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਧ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਂਤ ਬਹਾਨੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਇਰਫਾਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਚੌਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਰਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸ ਇਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਬਾਇਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਸਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਪੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਪੇ ਚਰੀਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਵੇਂ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਹੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁੰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਪਾ ਦਾ ਅਫਸ ਬਣਾਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਖੁਦ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾਨੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਾਨਾ ਨਾ ਰੋਕੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਾਣੇ ਪਾ ਦੇ ਆਫਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕਰ ਗਈ ਥੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਉਸਕੋ ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਵੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਸਮ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਰਹਾ ਹੂੰ
आप इसको बकवास कहते होंगे, आप इसको गलत मीनिंग लेते होंगे, लेकिन जिन कारियों के पास हम अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, तालीम दिलाने के लिए भेजते हैं, वो कारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर चल रहे होते हैं, उनकी तालीमात पर चल रहे होते हैं। ये वही कारी हैं जो हमें तालीम देते हैं, इस्लामी दीन के बारे में समझाते हैं, दीन के बारे में बताते हैं। ये वही कारी हैं जो हमारे बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे तालीमी अदारों में जुल्म करके, तशद्दुद करके हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इस तरह का वाकया लाहौर में भी पेश आया था और आज एक और वाकया कसूर में पेश आ गया। इसकी वजह यह है कि हमारी नलायकी है, हमने एक्शन नहीं लिया, हम नहीं चाहते कि हमारे अदारे पाक हो। हीरा मंडी में और मदरसे में क्या फर्क रह गया, जहां पे एक बच्चे को ज्यादती करके और फिर तशद्दुद करके मार दिया गया? हीरा मंडी में भी यही होता है ना, वहां भी जना हो रहा है, यहां भी जना हो रहा है, कहां जाए, कहां जाए हमारे बच्चे? इनके आंसुओं का जवाब आप दे सकते हैं? इस बुढ़ी मां के आंसुओं का जवाब आप दे सकते हैं? जिन बच्चों को इस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है ना, जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है, खुदा कसम ये बच्चे जाकर अल्लाह से सवाल करते होंगे और ये पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे, ये पाकिस्तान नहीं बचेगा, यकीन कीजिए, अगर ये गुनाह पाकिस्तान में होता रहा। एक मासूम बच्चे को ज्यादती का निशाना बना दिया गया, यार आप इमेजिन करते हैं इस चीज का? आप सोच सकते हैं अगर आपके बच्चे के साथ यही सलूक किया जाए जिस तरह से तशद्दुद किया गया? आप वो फुटेजेस देखें जरा, कितनी बेदर्दी के साथ मारा गया बच्चे को, उसके लाशें पड़ी हुई हैं, निशानात हैं तशद्दुद के, पाइप के साथ मारा गया, लटकाया गया है, सजा दी गई है उसको। उसने जुल्म किया था किसी पे? उसने किसी का कत्ल किया था? इस तरह का सलूक तो थानों में नहीं होता। कौन से मुआशरे में रहते हैं आप लोग? कहां है हमारे कानून? कहां है हमारी पुलिस? क्यों हो रहा है जुल्म हम पे? खुदा कसम अगर इंसाफ ना मिला इन बच्चों को, तो मुझ जैसे कई फैसल खान सूरी खड़े होंगे और आपको तबाह कर देंगे अल्लाह ने के बाद।